नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। प्रगति मीडिया में अगर आप प्रगति मीडिया के सदस्य हैं, अगर आप प्रगति मीडिया के मेंबर हैं, या आप प्रगति मीडिया के अंदर काम करते हैं, या आप प्रगति मीडिया के कार्यालय को संभालते हैं, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रगति मीडिया से आपके लिए काफ़ी बड़ा एक अनाउंसमेंट होने जा रहा है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यह जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं तो आपको इसका शायद नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये हम सभी जानेंगे कि अगर आप प्रगति मीडिया के मेंबर हैं या प्रगति मीडिया में काम करते हैं तो आपको कौन कौन सी जानकारी या कौन कौन सी डेटा आपको प्रगति मीडिया में देना अनिवार्य होगा। प्रगति मीडिया ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनको आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम समाज में आए दिन देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रेस कार्ड का मिसयूज कर रहे हैं, लोगों में या फिर समाज में गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गलत खबर पहुंचा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिस से दादागिरी कर रहे हैं, काफ़ी तरह की परेशानी हमको देखने को सुनने को मिली है। प्रगति मीडिया के सदस्य में ऐसा हमारे पास में ऐसी कोई खबर नहीं आई है जो कि प्रगति मीडिया का कोई सदस्य है जो कि ऐसी कोई काम कर रहा है। जितने भी प्रगति मीडिया के सदस्य हैं सभी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और अपने हर तरह से संपन्न हैं। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बनाई गई है कि आप ये जानकारी प्राप्त कर सकें, और आप अगर प्रगति मीडिया के सदस्य हैं तो आपके लिए यह बहुत लाभकारी होगा। हम यह जानकारी, यह वीडियो हमारा डेटा देने का आपको यही मकसद है कि आप अगर प्रगति मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको जो हमारी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस का जो भी आपको सहायता दी जा रही है, आपकी जो आपको सहायता मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से या मीडिया की तरफ से, उन्हीं लोगों को मिले जो लोग इसके लायक हैं और जो लोग इसके इच्छा रखते हैं, उन्हीं लोगों को ये सर्विस मिले। तो प्रगति मीडिया में होता ऐसा है कि प्रगति मीडिया सबसे पहले आपको वेरीफाई करता है कि कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड होने के बाद में हमने देखा है कि कुछ लोगों के, जब हम प्रगति मीडिया को कोई सदस्य प्रगति मीडिया में ज्वाइन होता है तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन उसके बाद में उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो जाता है और इसकी वेरिफिकेशन हम तक नहीं पहुंच पाती है और हमारे पास में इसका डेटा नहीं पहुँच पाता है। लेकिन प्रगति मीडिया, जैसा कि आपको पता होगा कि ये रजिस्टर्ड मीडिया है और कितना इसका ग्रुप है और ये कितने अच्छे तरीके से काम करती है, तो कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं और मनमानी या पुलिस से दादागिरी भी करने लग जाते हैं। तो प्रगति मीडिया ने यह अनाउंसमेंट किया है कि आप जितने भी सदस्य हैं, आप में से कुछ लोगों की जानकारी हमारे पोर्टल पर रहती है, आपकी जानकारी हमारे प्रगति मीडिया के पोर्टल पर रहती है, लेकिन अब वह जानकारी उन लोगों की केवल पोर्टल पर रहेगी जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जुड़े तो हुए हैं लेकिन हमारे साथ में कंटिन्यू काम भी कर रहे हैं, या उन्होंने अपना रेस्पॉन्स दिया है, या जो लोग जिनके पास में मेंबर कार्ड था, जो सदस्यता का कार्ड था, अगर वो लोग भी, अगर उनका कार्ड एक्सपायर हो गया है लेकिन वो अपना रिन्यू अभी उन्होंने नहीं करवाया है, या जिन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या जो लोग अपनी सदस्यता का मिसयूज कर रहे हैं, उन लोगों को इस वेबसाइट पर या इस पोर्टल से हटा दिया जाएगा। इस पोर्टल पर सबसे टॉप में लिखा होगा, सबसे ऊपर में लिखा होगा कि जो भी प्रगति मीडिया के मैं सदस्य हैं, अगर उनकी इंफॉर्मेशन वहाँ पोर्टल पर नहीं है तो वो हमारे प्रगति मीडिया के सदस्य नहीं कहलाएंगे, और अगर वो कोई क्राइम करते हैं या किसी भी ऐसा कोई गलत काम करते हैं जहाँ उनको जो काम नहीं, उनको नहीं करना चाहिए, वो प्रगति मीडिया से सपोर्ट चाहते हैं, या उनके पास में कोई ऐसी पुलिस इंक्वायरी होती है जिसमें वो पकड़े जाते हैं और वो प्रगति मीडिया का नाम लेते हैं, तो प्रगति मीडिया से उन्हें किसी भी तरीके से कोई सहायता नहीं दी जाएगी और किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप प्रगति मीडिया के साथ में जुड़े हुए हैं और आप प्रगति मीडिया के सदस्य हैं और आप हर तरीके से हमारे प्रगति मीडिया के साथ में काम करते हैं, तो आपको हम हमेशा की तरह हर तरीके से आपको साथ में देते हैं। आपका पीआर ऑफिस में आपका लेटर भी भेजा जाता है, सूचना कार्यालय विभाग में आपका लेटर भेजा जाता है, आपके नियर पुलिस स्टेशन में भी आपका लेटर भेजा जाता है, वहाँ आपका आप लेटर साइन भी करवा के लाते हैं, जमा करवाते हैं, कलेक्टर ऑफिस में भी आपकी फाइल पहुँचाई जाती है,
आपको कई तरीके से पुलिस का, गवर्नमेंट की तरफ से या मीडिया की तरफ से आपको हम हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन हमने जब देखा है कि कुछ लोग मीडिया को हद से ज़्यादा कहना नहीं चाहिए लेकिन बेच रहे हैं, या फिर मीडिया का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 10th पास नहीं है उनको भी मीडिया में ज्वाइन कर लिया गया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको किसी ना किसी फालतू का कोई बेकार पर्सन है उसको भी ज्वाइन कर लिया। तो इन सभी बातों को देखते हुए प्रगति मीडिया ने ये अनाउंसमेंट किया है कि उन लोगों को ही प्रगति मीडिया में सहायता दी जाएगी, या उन लोगों को ही प्रगति मीडिया में रखा जाएगा जो लोग प्रगति मीडिया के कंटिन्यू मेंबर हैं। कंटिन्यू मेंबर का मतलब क्या हो गया कि आपको, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप भले से प्रगति मीडिया का कार्यालय संभालते हैं, अभी 2 महीने हमारा लॉकडाउन चला तो हमारे जितने भी कार्यालय थे सभी बंद थे, वहाँ हमारा किसी भी तरह से काम नहीं हो रहा था। कुछ ऐसे सदस्य हैं लॉकडाउन बंद होने के बाद में थोड़ा सा वो स्लो हो गया है, मतलब उनका काम करने का जो तरीका था थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो हमने उन लोगों के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन रखी है, अगर वो भी अपनी जानकारी प्रगति मीडिया में नहीं देते हैं, आप प्रगति मीडिया के साथ में नहीं कंटिन्यू करते हैं, तो भी प्रगति मीडिया में उनकी डिटेल्स है वो जमा नहीं की जाएगी। हो सकता है कि आप, अगर कोई ना कोई आपका कोई रीज़न है या आपका कोई बड़ा रीज़न है, तो आप एक बार हमसे या मेरे से या आप हमारे स्टाफ से, जहाँ भी आपका जो भी संपर्क है उससे आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे स्टाफ से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपना कोई रीज़न है उसे आप बता सकते हैं कि आप प्रगति मीडिया में अभी कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं, और आपको किसी तरह का कोई सपोर्ट या हेल्प चाहिए तो आप हेल्प कर ले सकते हैं। लेकिन हमारी शर्त हमेशा से यही रही है कि आप किसी भी मीडिया से ज्वाइन हो, चाहे वो मीडिया छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की, आपको हमेशा लीगल तरीके से ही काम करना चाहिए। मीडिया सोशल वर्क होती है, समाज से भी काम होता है। भारत में इसका 4th स्तंभ इसलिए नहीं माना गया है, बताया गया है कि आप इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करें। हम मीडिया के, मैंने आपको पहले भी एक बार एक वीडियो में बताया था कि हम मीडिया के कुछ सदस्य होके हमने अभी तक अपना कार्ड केवल 2 जगह पर ही यूज किया है। तो आप अपने कार्ड को या फिर अपनी सदस्यता को या फिर आप अपनी मीडिया को इस तरह से ना शो करें कि आपको इल्लीगल या आपके, आपका नाम और आपकी मीडिया का दोनों का नाम ही खराब हो। आप समझदारी से और सूझबूझ से काम लें, और आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई क्वेश्चंस होता है, या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या आपको काम करने का तरीका नहीं आ रहा है, ये कोई भी परेशानी है, आप हमसे एक बार डिस्कस करें। हमने सब कुछ ऑनलाइन दिया हुआ है, अगर आपको नहीं इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है तो आप हमसे फ़ोन पर भी या व्हाट्सएप पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप अपने रिप्लाई ज़रूर दें इस वीडियो के देखने बाद में। अगर जो लोग देखते हैं उनके लिए भला है, जो लोग नहीं देखते हैं उनके लिए थोड़ा सा गलत होगा या नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, हम यहीं ख़त्म करते हैं अपनी बात को। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।